में और जैसे माल आता है ना तो मैं इकट्ठा ले लेती हूँ बच्चों के लिए। और हेलो फैमिली, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। और रहिए भी स्वस्थ मस्त बिंदास। तो फैमिली, मैं यहाँ तोरई की सब्जी बना रही हूँ और तोरई के साथ मैं खिचड़ी भी बना रही हूँ। तोरी की सब्जी मेरी बन चुकी है और खिचड़ी के लिए मैंने थोड़े से ना चावल भिगो के रख दिए थे पहले से ही, और कुकर और उसमें भगोने में मैंने थोड़ा पानी रख दिया है उबालने के लिए। और मितांश के पापा बहुत बोलते हैं कि खिचड़ी में तू दाल कम डालती है, तो मैंने आज ना बहुत सारी दाल डाली है इसके अंदर। आप देख सकते हो थाली में मैंने डाल ली है। और जैसे पानी गर्म करने के लिए रखा था तो मैंने ना उनको चावल तो पहले भिगो के रखे थे और वो दाल को भी मैंने धोकर इसमें डाल दिया है। तो ये इतना उबल चुका है, देखो आधा आधा उबाल ले लिया है खिचड़ी ने और अभी बनना बाकी है। ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए इसे। और आप ये जीरे का पैकेट देख रहे हो, आजकल तो जीरे पे इतना भाव बढ़ गया है, टमाटर पे बड़ा तो बड़ा, जीरे पे भी भाव बढ़ गया है। 180 रुपये का ये पैकेट एक पाव का आया है और मेरी अभी खिचड़ी आधी ही बनी है। मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और अब मुझे ये सिलेंडर भी लगाना है। तो अभी देखो इसको, मैं पहले मेरे से सिलेंडर नहीं लगाना आता था तो अब मैं धीरे धीरे ये सीख गई हूँ। और आजकल ना सिलेंडर इतने वो आते हैं कि इतने ख़राब तरह से आते हैं, एक तो गैस कम आती है इनके अंदर और फिर ऊपर से जैसे ढक्कन खोलो ना तो ये धागा टूट जाता है, या ये पिन्नी तो टाइट रहेगी इसका लेकिन ये जो अंदर का जो ढक्कन है ये पट से खुल जाता है, लूज़ रहता है इनका ऐसे ही पन्नी से। और कभी कभी तो इतना टाइट होता है कि हथौड़ी मारनी पड़ती है तब जाके ये निकलते हैं, ढक्कन टूट भी जाते हैं। पता नहीं ये इतना कंप्लेंट करो इनके फिर भी इनके लोगों के ना समझ में नहीं आती। तो अब ये लगा चुकी हूँ, मेरा जो आधा खाना बना हुआ है तो मैंने गैस सिलेंडर लगा दिया है और मैं गैस को भी चालू कर देती हूँ। देखो आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ें मेरी ठंडी पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल उबाल नहीं आ रहा। और अब मैंने गैस चालू कर दी है तो आप देखो उबाल आ चुका है। और ये तड़का मैंने साथ साथ इसमें ये तैयार भी कर लिया था। और खिचड़ी इतना पतली हो चुकी है, थोड़ा सा ना टाइम और लगेगा। और अभी मैं इसको बच्चे के लिए दे देती हूँ क्योंकि उनको भूख लगी है काफ़ी। और खिचड़ी थोड़े बन तो गई है लेकिन पतली रह गई है क्योंकि बच्चे ना पतली को कम पसंद करते हैं, थोड़ा टाइट रहती है तो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ़िलहाल में मैं अभी दे देती हूँ। और आज के ब्लॉग में ना आपको बहुत आवाज़ सुनने को मिलेगी क्योंकि पड़ोस में ना एक लैंटर खोद रहा है तो उसकी वजह से ना उसकी आवाज़ भी शायद आ रही हो। इधर फैन पंखा भी चल रहा है। तो फैमिली, मैं आ गई हूँ किचन में से बच्चों को खिलाकर कमरे में, और कमरे में मैं अपने जो कपड़े हैं धोकर जो सुखाए थे उनको मैं पर खूब अच्छा अच्छा माल आ रहा है। देखो अभी इसमें बलून आया है लग कर, बच्चों वाले खूब आइटम चल रहा है इस टाइम पर, खूब सुंदर सुंदर। बच्चों के इतने मन भा जाते हैं ना कि लड़ी ना देखते ही बच्चे ख़त्म कर देते हैं। मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि बच्चों का जो आजकल जो चल रहा है, एक तो 5 रुपये में क्या मिलता है, 5 रुपये में खाने का चीज़ भी मिलता है और फिर खेलने के लिए भी। तो इसीलिए ना मैं और जैसे माल आता है ना तो मैं इकट्ठा ले लेती हूँ बच्चों के लिए। और पास में स्कूल है, बहुत बच्चे इनका मन होता है और बहुत बच्चे ये बात पूछते हैं कि आंटी आपके पास में ये माल कब आएगा। तो मुझे एक्चुअली पता तो नहीं रहता है, जो सामान देने वाला आता है मैं उससे बोल देती हूँ कि बच्चे बहुत आपकी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो इकट्ठा डाल जाया करो, लेकिन उसके पास भी इकट्ठा माल नहीं आता है तो वो कभी कभी बहुत कम बचता है। जैसे सप्लाई करता है तो वो बहुत, मतलब कितनी दुकानों पर जाता है कितनी दुकानों पर नहीं जाता है, तो लास्ट में जब मेरा नंबर आता है तो लास्ट में जितना माल बचता है वो मेरे पास में दे जाता है, जितनी भी उसके होता है। और अभी एक माल आया है वो मैंने बाहर लगा दिया है, उसमें उस पैकेट में चॉकलेट ही चॉकलेट है तो बच्चे बहुत खुश से ले जाते हैं। लव यू बच्चे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने कमरे को जो
फैला हुआ सामान है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ। और कपड़े मुझे घी लगानी है इनको, और अब फिलहाल सूख गए हैं कपड़े मेरे, अधिकतर सूखते हैं इसलिए डबल मैं डाल देती हूँ। तो बहुत कम जो नीचे का है ना, कहीं लास्टिक वगैरह होती है और पैंट की मोहरी वगैरह होती है, वो कहीं कहीं ना थोड़ा सा गीला रह जाता है। और अभी मैं तो उनको जैसे लगाऊंगी, घी लगाऊंगी तो उनको फैला के डाल लूँगी साथ के साथ में मैं। तो अभी मैं फिलहाल मैं बिस्तर को सीधा कर देती हूँ, क्योंकि ये भी जब बच्चे आ जाते हैं ना तो कूदना स्टार्ट कर देते हैं, ये पूरा मतलब बिस्तर इधर से उधर टहस महस कर देते हैं बच्चे। और अभी फ़िलहाल बाहर खेल रहे हैं, तो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो आतंक ज़्यादा मचाएंगे, देख लोगे तो आप। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी बाहर उधम मचा रहे हैं। तो अभी और जैसे ही मैं समगा दी हूँ, ये लगा दी है बिस्तर, तो मैं झाड़ू भी साथ के साथ लगा लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, चिपचिपाहट की वजह से ना थोड़े धीरे धीरे जो पैरों से चिपक के चलाता है ना पैर, वो फिर सूख जाता है पंखे के नीचे, तो वो पैरों में बुरी तरह से किलकिलाता रहता है। तो उसी वजह से ना दिन के 5-6 दफ़े झाड़ू, मतलब कोई गिनती नहीं है झाड़ू लगने की तो दिन के अंदर, क्योंकि इसी जगह में रहना, इसी में बैठना, तो नंगे पैर और अधिकतर नंगे पैर ही रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और पायदान भी डाले होते हैं तो पायदानों पे भी रेत चिपक जाता है। तो इसीलिए मैं अधिकतर कमरे के और बाहर तक पूरा झाड़ू लगा के रखती हूँ। अक्सर बाहर का जो गेट है ना, वहाँ तक मैं पूरा झाड़ू लगाती हूँ। जब भी मैं अंदर तक की झाड़ू लगेगी तो बाहर ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि बाहर से ही अंदर आती है। तो अभी मैं फ़िलहाल कमरे में से निकल के मैं आंगन में आ गई हूँ, और आंगन के साथ में किचन में से भी लगा रही हूँ झाड़ू। और क्योंकि बराबर फिर नहीं, कोना कोना छूट जाता है ना, एक कोने को छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि झाड़ू लगनी चाहिए तो पूरे उसमें लगनी चाहिए, चाहे भले ही लेट लगो चाहे जल्दी लगो, पूरे कोने कोने में लगनी चाहिए झाड़ू, तो लगता है कि हाँ साफ़ है। वरना एक कोना छोड़ दो, एक कोना में लगा दो ऐसे जल्दी जल्दी में, तो झाड़ू बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती। और अभी मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ आंगन में, और आंगन से अब मैं लगा दी है, और अभी मैं जा रही हूँ जो मेन गेट है वहाँ, जो गली है उसमें झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और वो चीज़ भी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और बता दूँ आपको, जो बगल में मेरे में एक खाली प्लॉट है, वहाँ बंदे गली के अंदर दो प्लॉट थे, एक प्लॉट बन चुका है, तो उसमें पहले डालते थे बंदे कूड़े, जबकि रिक्शा वाले लगे हैं, रिक्शा वालों को कोई देता नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्लॉटों में फेंक देते हैं। तो गंद मेरे यहाँ ना रात को जैसे हम सो जाते हैं तो कुत्ते उठा उठा कर ना मेरे दरवाजे पर वो रख देते हैं, तो मुझे बहुत वो लगता है कि कूड़ा ना मेरे उसके ही बगल में पड़ा रहता है, मुझे हर वक्त देखना पड़ता है। लेकिन मैं, हम बंदों से बोलते हैं तो सुनते नहीं हैं, लेकिन झगड़ा भी नहीं कर सकते, उनको आराम से बोलते हैं समझ में आता ही नहीं है, जिनका प्लॉट है उनसे भी बोला है लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं। तो हम तो यहाँ रेंट पे हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ। अपना होते तो हम बहुत कुछ मतलब बोल देते, उनको रोक देते, लेकिन अभी परेशानी आप समझ सकते हो कि इतना हम आपके पास में होता तो आप क्या फील करते। तो फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल बैठ गई हूँ उनकी कपड़ों की गई लगाने के लिए। और कपड़े आप देख ही रहे हो कि आजकल की जो बारिश है ना, उनमें तो हर रोज़ कपड़ों का धोना और सूखना सब बराबर है, क्योंकि कपड़े को धो लो फिर सूखते ही नहीं है वो, अगर सूखे तो 4-6 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, मेरे पास तो 4-6 घंटे चाहिए ही चाहिए, भले चाहे किसी के पास 1 घंटा लगे, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मेरा पास तो इतना चाहिए, और जिनके पास जगह है उनके तो 1-1.5 घंटे के लिए काफ़ी है, मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे लिए तो 6 घंटे भी कम है, क्योंकि मेरे पास तो पूरी रात कपड़े सूखते हैं तो तब फिर भी गीले रह जाते हैं, पंखा चला हुआ होता है और हम नीचे चरपाई वगैरह बेड वगैरह पर सोए हुए होते हैं रात भर। तो अभी फ़िलहाल ये कपड़े इतने मैंने दिखाए हैं, आप सभी गीले हैं, और फ़िलहाल शाम का टाइम है, हम मिल रहे हैं आपसे शाम में। तो अभी हम फ़िलहाल मैंने डर डर के आम लिए थे, क्योंकि बारिश के टाइम में ना कीड़े हो जाते हैं, तो फिर मैंने डर डर के लिए हैं, और फ़िलहाल मैं मस्त हैं, बिल्कुल कच्चा आम है और बिल्कुल टाइट आम है, तो मीठा भी है और अच्छा भी है। तो फ्रेंड्स,
आज का वीडियो मेरे यहीं तक था, और वीडियो पसंद आए तो लाइक।